क्या दुनिया की सारी लड़कियां गलत होती है और दुनिया के सारे लड़के अच्छे होते हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर, और दुनिया के सारी लड़कियां चीटर होती है, धोखेबाज होती है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो ना बहुत पावरफुल है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग हमें बोल रहे हैं कि आप ना लड़कियों को गलत और लड़कों को सही बोलते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या दुनिया की सारी लड़कियां गलत होती है और दुनिया के सारे लड़के अच्छे होते हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर, और दुनिया के सारी लड़कियां चीटर होती है, धोखेबाज होती है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो यार, ये जो क्वेश्चन ये जो बात जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, स्पेशली लड़कियां, कि आप लड़कियों को गलत क्यों बोलते हो, लड़कियों के बारे में सिर्फ क्यों बात करते हो, है ना, लड़कों को क्यों कुछ नहीं बोलते, लड़कों का पक्ष लेते हो, लड़कों को अच्छा बोलते हो, लड़कियों को सिर्फ गलत बोलते हो, ये तो सही नहीं है। मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, ये बात सही है, दुनिया की सारी लड़कियाँ गलत नहीं हैं और दुनिया के सारे लड़के अच्छे नहीं हैं। एक और चीज़, मैंने ये कभी नहीं बोला है अपने किसी भी वीडियो में कि सारी लड़कियाँ गलत हैं और सारे लड़के अच्छे हैं। नहीं यार, हर वो लड़की, ध्यान से सुनना, जो अपने पार्टनर के साथ लॉयल है, अपने बॉयफ्रेंड को टाइम देती है, कॉल करती है, मैसेज करती है, उसके लिए लॉयल है, ऑनेस्ट है, एक लाइन में उसको चीट नहीं कर रही, उसको धोखा नहीं दे रही, उसको अंधेरे में नहीं रख रही है, उसके होने के बाद भी किसी और के पास नहीं जा रही, किसी और कॉल नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रही, चैट नहीं कर रही है, वो लड़की अच्छी है, उसको हम कभी गलत नहीं बोलते हैं। हम गलत सिर्फ किस लड़की को बोल रहे हैं यार? हम गलत ना सिर्फ उन लड़कियों को बोल रहे हैं जो यार ऐसा कर रही है, जो चीट कर रही है, जो धोखा दे रही है, जो एक साथ ना दो लोगों से बात कर रही है, दो लोगों को कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, दो रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, यार उसको तो हम बोल रहे हैं ना। इसको आपको समझना होगा। मैंने कभी भी अपने किसी भी एक भी वीडियोज में ये नहीं बोला कि दुनिया की सारी लड़कियां गलत हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि लड़के के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हर वो लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके सीरियस है, उसको टाइम देता है, उसके लिए लॉयल है, उसके लिए ऑनेस्ट है, वो किसी भी थर्ड पर्सन को अपने बीच नहीं लेके आ रहा है, वो लड़का अच्छा है। वो लड़का के बारे में हम कभी कुछ नहीं बोलते, उसको अच्छा बोलेंगे और है वो अच्छा। हर वो लड़का जो ना चीट कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, या ना जो अपने पार्टनर को, अपनी लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो खराब है, वो सही नहीं है, उसको हम कहाँ सही बोल रहे हैं? ध्यान से समझो यार, यहाँ पे बात ना लड़का और लड़की की नहीं है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ना बात है ऑनेस्टी की, यहाँ पे बात है लॉयलिटी की, यहाँ पे बात है ना रिलेशनशिप को ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाने की। हर वो इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर, अगर अपने रिलेशनशिप को ऑनेस्टी के साथ निभाता है, ठीक है, उसमें सामने वाला पर्सन को चीट नहीं कर रहा है, उसे धोखा नहीं दे रहा है, लॉयल है उस इंसान के लिए, वो इंसान अच्छा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। इसलिए आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लड़कों को अच्छा बोल दिए, लड़की को खराब बोल दिए, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं सिर्फ उन लड़कियों के बारे में बात करता हूँ जो ऐसा करती है, जो चीट करती है, जो धोखा देती है, जो लॉयल नहीं है, जो धोखेबाज, उनके बारे में बात करते हैं, उनका साइन बताते हैं, उनका निशानी बताते हैं। मैं उनको ये बताता हूँ कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, क्या गलत बोल रहा है भाई, ठीक तो बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे, 10 साल बाद भी पूछोगे यही बात बोलेंगे। और मैं क्या, आप खुद सोच के देखो, क्या वैसे पर्सन के साथ, वैसी लड़की के साथ किसी भी लड़का को रहना चाहिए जो लॉयल नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है, जो 10 जगह मुंह मार रही है? क्या रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना यार, समझो ध्यान से, फिर आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। ये कन्फ्यूज़न आप अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि मैं सिर्फ एक पक्ष की बात करता हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। जो गलत है मैं उनको गलत बोलता हूँ, जो सही है मैं उनको सही बोलता हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो लॉयल है, जो बहुत अच्छी है, है ना, मुझे कमेंट करती है, मुझसे क्वेश्चन पूछती है पर्सनली। यार अगर मुझे 100 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान समझना, उसमें से लगभग ना 40-50 क्वेश्चन लगभग लड़की लोग का है। वो क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? उन्हें लग रहा है सही है, उनको प्रॉपर एडवाइस हम दे रहे हैं, उनका प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो लॉयल है अपने पार्टनर को लेके। ऐसी भी लड़कियाँ हैं, हम जानते हैं, बट ऐसी हैं बहुत सारी जो 10 जगह मुँह मारती है, उसको भी कॉल करना, उसको भी कॉल करना, उसको भी मैसेज करना, उसको भी बेस्ट फ्रेंड बना के रखना, नौटंकी करना, ड्रामा करना, रिलेशनशिप को मजाक बना के रखना, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, करते हैं, ठीक है। तो ये लड़के लड़की वाली बात नहीं है, है ना। जो सही है, जो लॉयल है, उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, उनको अप्रिसिएट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है ना जिन पर मैंने लड़कियों की बहुत तारीफ़ की है, जम के देख सकते हो आप, देख लो यहाँ पर पूरा लिस्ट है, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जिनमें मैंने लड़कियों की गुड क्वालिटीज़ के बारे में बात किया है, लड़कियों की बहुत तारीफ़ की है जम के यार। और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो चीटर हैं, धोखेबाज हैं, उनके बारे में दबा के उनको डोज भी दिया है, ये भी रियलिटी है, है ना। तो इसलिए आज से आप ये सब कन्फ्यूज़न अपने माइंड से निकाल दो
कंफ्यूज होना बंद करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से वीडियो क्लास हो गई, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त और फ्रेंड, उनको वीडियो जरूर दिखाइए। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो मेरे चैनल पर एक टॉपिक वीडियो अवेलेबल है, और आप उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।